हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर अमेजिंग हॉल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सा हॉल लेकर आई हूँ एंड दिस हॉल इज अबाउट होम डेकोरेशन ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो एज यू नो की सेल अभी भी चल रही है एंड मैं आपके लिए रोज ऐसे अमेजिंग हॉल्स लेकर आती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हॉल लेकर आई हूँ दैट विल हेल्प यू इनहेंस योर होम डेकोरेशन एज वेल एज इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो फेस्टिव के लिए बहुत ही आइडियल रहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना बिकॉज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हॉल होने वाला है ये। एंड जो भी आइटम्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं वो बिलो 400 रुपीज है, तो अंडर 400 रुपीज के आपको ये सारे होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है दीज एलईडी कैंडल्स। दीज आर वायरलेस एलईडी कैंडल्स एंड दिस इज वेरी एस्थेटिक। यू कैन सी दीज आर नॉट रियल कैंडल्स, द होल केस इज ऑफ प्लास्टिक हियर एंड ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक, सो दिस इज नॉट वैक्स, इट्स प्लास्टिक। यहाँ पे आपको एक सर्किट मिलेगा एंड दिस विल लाइट अप थ्रू बैटरीज। तो आपको ये तीन पीस मीशो से मिल जाएंगे जो कि तीनों सेम नहीं है, तीनों के साइजेस डिफरेंट है। ये तीन कैंडल्स मुझे टोटल 350 रुपीज की मीशो से मैंने ली है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज कैंडल्स इज दैट कि आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ये कॉन्टिन्यूस चलती रहेंगी, हवा का भी कोई इश्यू नहीं होगा बिकॉज दीज आर एक्चुअली आर्टिफिशियल कैंडल्स। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज आपको फेस्टिव टाइम पे यू डोंट हैव द टाइम टू जस्ट फिल अप द दियाज एंड ऑल अगेन एंड अगेन, सो दिस इज गोना लाइट अप होल नाइट एंड यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो फॉर मी इट्स अ वेरी गुड डील एंड हेड्स अप फॉर दिस वन। नाउ लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी पिंटरेस्टी। सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मेटेलिक फ्लावर वास and you can see how aesthetic this one is, the look is very nice, बहुत अच्छी finish है इस product की। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा metallic vase है and यहाँ पे ये पूरा frame जो है metal का है, golden color की इस पे coating हो रखी है and एक और बात है कि इसके अंदर ये glass finish भी दे रखी है and it is नॉट अ प्लेन व्हाइट ग्लास, थोड़ा सा इसके अंदर येलोइश फिनिश दे रखी है जो कि इसके साथ में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये रिमूवेबल है, आप इसका ग्लास भी निकाल सकते हो और आप इसे एज इज भी यूज कर सकते हो। एंड बात करते हैं अब इसकी प्राइसिंग की, तो मैंने 223 रुपीज का ये वास लिया था मीशो से एंड आई एम इन लव विद दिस वन। नाउ इसमें फ्लावर एड करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो मैंने इसमें फ्लावर्स एड कर दिए है एंड यू कैन सी कितना प्रिटी लग रहा है ये, इट इज लुकिंग वेरी एस्थेटिक। तो आप अपने होम डेकोर के कलेक्शन में इसे डेफिनेटली एड कर सकते हो। फॉर मी इट्स अ वेरी गुड डील एंड हैट्स अप फॉर दिस वन। लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल प्रोडक्ट आई कैन से एंड दिस इज पोर्टेबल ज्वेलरी बॉक्स। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का एक ज्वेलरी बॉक्स है एंड इट इज वेरी नाइस फॉर गर्ल्स। सो दिस इज अ वेरी नाइस कॉम्पैक्ट ज्वेलरी बॉक्स एंड इट इज वेरी आइडियल बिकॉज ये आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हो, द साइज इज वेरी कॉम्पैक्ट। तो एक टाइप का एक बहुत ही प्यारा ज्वेलरी वॉलेट कह सकती हूँ मैं इसको। यहाँ पे काफी सारे कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं तो आप इसके अंदर अपनी जो भी ज्वेलरी है चीजें हैं आप इनको प्लेस कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगी कि आप इसे यहाँ पर चेन से बंद कर सकते हो, तो साइज देखो इट्स नॉट दैट बिग, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज है, इजी टू कैरी है। एंड फिर उसके बाद अब इसके अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंपार्टमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आप अपनी चेन्स जो है लगा सकते हो, यू कैन ऑल्सो पुट समथिंग हियर, पेंडेंट्स आप रख सकते हो यहाँ पे, देन ये एरिया आपके ब्रेसलेट रिंग्स या चेन के लिए बड़ा आइडियल है एंड ये पूरी शेल्फ जो दे रखी है दिस इज ऑल फॉर रिंग्स और आप इयर रिंग्स भी डाल सकते हो इसके अंदर में। प्लस ये और भी कलर वराइटीज में अवेलेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी चूज कर सकते हो। अब बात करती हूँ इसकी प्राइसिंग की, तो दिस इज ओनली 4 रुपीज 140, तो 140 रुपीज का आपको ये बहुत ही प्यारा सा कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा। फॉर मी इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आई एम अ गर्ल सो मैं कह सकती हूँ दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट टू गिव एंड हैट्स अप फॉर दिस वन। नाउ लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी डेकोरेटिव आइटम। सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस नाइस बटरफ्लाई इविल आई।
डेकोरेटिव आइटम. लेंथ यू कैन सी इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी कलरफुल होम डेकोरेशन. इट इज गिविंग मी वेरी एथनिक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वाइब. तो ये फेस्टिव टाइम के में एक बहुत ही अच्छा होम डेकोर है एज वेल एज ये आपको नजर से भी बचाएगा. द बेस्ट पार्ट ऑफ आई लाइक अबाउट दिस वन, आप इसे कहीं भी लगाओगे इट इज gonna help you in 2-in-1. It is gonna help you in decoration as well as warding off all the negativities. तो अब बात करते हैं product की. तो ये पूरा wooden cardboard से बना हुआ है. It's not plastic or anything. It is wooden cardboard. Now I'll talk about the price. It is only 4 rupees 90. तो 90 rupees का ये बहुत ही प्यारा सा पीस मैंने लिया है मीशो से. And I have put it that on my wall. You can see and it is looking very pretty. You can tie it anywhere. It is looking very nice. You can also see it on my wall. So I'm in love with this one. Pricing bhi achhi hai and the product quality is very nice. So heads up for this one. So our next product is very beautiful and very Pinteresty item. So let me show you. So our next product is this beautiful acrylic organizer box. So ye bahut hi pyara and Pinteresty type ka organizer box hai. You can also see. मटेरियल यहाँ पे जो यूज हुआ है दिस इज एक्रायलिक एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज आपको यहाँ पे दो लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मिलती है. तो जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पे आपको 24 सेक्शन मिल जाएंगे अपनी कोई भी चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो आप इसके अंदर अपनी इयर रिंग्स पुट कर सकते हो, रिंग्स डाल सकते हो, इवन आप इसमें चेन या ब्रेसलेट भी एड ऑन कर सकते हो. तो ये आपको 24 सेक्शंस मिल जाएंगे टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग. एंड देन इसके जो लोअर बेस है वहाँ पे आपको ये पूरे टोटल 6 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी कोई भी ब्यूटी आइटम्स रख सकते हो. आप इसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर रख सकते हो, छोटे प्रोडक्ट्स रख सकते हो, आप यहाँ पे अपनी हैवी ज्वेलरी रख सकते हो, झुमकास रख सकते हो. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट आई लाइक इज दैट एक तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. तो कोई भी आप प्रोडक्ट रखोगे तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा. आप इसको नॉर्मल एज अ डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो. यू कैन प्लेस योर नाइस ज्वेलरी इन दिस वन, यू कैन प्लेस इट ऑन योर टेबल एंड इट इज जस्ट गोना लुक वेरी एस्थेटिक. दिस इज ओनली 4 rupees 150. 150 rupees में आपको टोटल 30 कंपार्टमेंट वाला ये बहुत ही प्यारा सा एक्रेलिक ऑर्गेनाइजर बॉक्स मिल जाएगा. इट्स अ वेरी गुड डील. दिस इज वेरी यूजफुल एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस आइटम टू गिफ्ट. सो heads up for this one. So let's unbox our next product. So our next product is very aesthetic and this is wall hanging decoration from Meesho. So this is very off-white color wall hanger and यहाँ पे आपको total 2 compartments मिल जाएंगे कोई भी चीज place करने के लिए. Now let's talk about the product because you can see the look is very nice aesthetic. And अब product की बात करते हैं तो ये पूरा एरिया जो है दिस इज प्योर वुड, वुडन वर्क हो रखा है यहाँ पे एंड इट इज टाई अप विद दिस क्रोशे थ्रेड्स. अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की. तो 160 rupees का ये प्यारा सा वॉल हैंगर मैंने लिया है मीशो से. एंड आपको एक आइडिया मिल जाए तो मैंने अपने बैकग्राउंड में इसको प्लेस भी करा है एंड मैंने थोड़ी सी कैंडल्स उस पर रख दी है. तो यू कैन सी कि इट इज लुकिंग वेरी नाइस इन द बैकग्राउंड. आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज यू कैन सी हाउ एस्थेटिकली इट हैज ब्लेंडेड टू माई बैकग्राउंड. तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. इट इज गोइंग वेल विद एवरीथिंग. तो आप भी इसको इस तरीके से या अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो. सो फॉर मी इट्स अ वेरी गुड डील एंड हैट्स अप फॉर दिस वन. सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एन ऑर्गेनाइजर एंड इट इज पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड. सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मेकअप ब्रश ऑर्गेनाइजर. इट इज नॉट अ होम डेकोर आइटम बट इट इज अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनाइजर. तो यहाँ पे आपको 3 डिटेचेबल पीसेस मिल जाते हैं. ये बेसिकली एरिया है जहाँ पे आप अपने मेकअप के ब्रशेस रखोगे या वट एवर यू वॉन्ट टू पुट. एंड दिस इज एन ऑर्गेनाइजर. तो यहाँ पे 6 पार्टीशन हो रखे हैं प्लस ये मिडिल एरिया भी है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो. तो टोटल 7 इसके अंदर कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं जहाँ पे आप हैसल फ्री कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो. एंड यहाँ पे मैंने इसकी लिड लगा दी है. लिड इज गना हेल्प यू वट एवर यू आर पुटिंग इट टू कीप इट सेफ. तो आप कोई भी यूजुअली मेकअप ब्रशेस के लिए मैं क्यों कह रही हूँ बिकॉज आप ब्रशेस यूज करते हो और आप उसे ओपनली अगर रख देते हो तो कोई भी डस्ट या जर्म्स कुछ भी उसमें जा सकते हैं. सो इट्स अ वेरी नाइस आइडिया टू पुट योर मेकअप आइटम्स इन दिस. तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की. प्राइसिंग दिस इज ओनली 4 rupees 180. तो 180 rupees का ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर मैंने लिया है मीशो से. सो फॉर मी इट्स अ वेरी नाइस डील एंड हैट्स अप फॉर दिस वन. नाउ लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट.
सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी फेस्टिव रिलेटेड आइटम. दिस इज क्रिस्टल फेंगशुई. तो ये फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा टू एनहेंस योर डेकोरेशन एज वेल एज इट्स अ वेरी मीनिंगफुल होम डेकोर आइटम बिकॉज यू नो की फेंगशुई टर्टल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी के लिए जाने जाते हैं. सो दिस फेंगशुई टर्टल हैज मीनिंग इन इट्स ओन और आप इसे अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हो बिकॉज इट हैज अ वेरी स्पिरिचुअल मीनिंग. तो ये बहुत ही ज्यादा आइडियल होम डेकोर आइटम रहेगा. इट इज ऑल्सो वेरी नाइस गिफ्टिंग आइटम. आप इसे किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो. अब बात करते हैं पहले प्रोडक्ट की. तो प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे फेंगशुई टर्टल मिलेगा. इट इज प्योरली ऑफ क्रिस्टल एंड ग्लास क्रिस्टल की जो भी फेंगशुई होते हैं इनका भी एक मीनिंग होता है. इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ऑल्सो ये आपकी विशेज भी पूरी करते हैं एज आई हैव टोल्ड. सो आई गॉट दिस फेंगशुई टर्टल फ्रॉम मीशो इन रुपीज 150. तो 150 रुपीज का ये बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल फेंगशुई टर्टल मैंने लिया है मीशो से एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट एंड एट्स अप फॉर दिस वन. सो जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं उन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना. चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करना बिकॉज आगे भी बहुत सारे अमेजिंग हॉल आने वाले हैं. तो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी मिस आउट एनी ऑफ आवर कंटेंट. एंड ऑल्सो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा. एंड इफ यू आर लुकिंग अ वेरी गुड क्वालिटी होम डेकोर आइटम एज वेल एज एथनिक आइटम्स सो यू कैन चेक आउट माई दीज वीडियोज. दीज आर वेरी नाइस अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटी टाइप ऑफ आइटम्स. आई होप कि आपको वो भी पसंद आएंगे. एंड आई विल बी बैक अगेन विद अनदर हॉल वीडियो. तब तक के लिए बी हैप्पी कीप शाइनिंग बाय.